अच्छा, ये माल नया उतरा है, व्यापारी जो है वो चारा बना रहा है। कोशिश करता हूँ, जाके बात करता हूँ, अगर वो करता है तो फिर आपको इनके रेट्स और बार्गेनिंग वगैरह करके बताता हूँ। बछिया के बेचारी के जो है ना, वो खुर बे इंतहा ज़्यादा बड़े हुए हैं, लग रहा है कि बचपन से काटे ही नहीं इसके, बेचारी के बहुत ज़्यादा ही खुर बड़े हुए हैं। चलने में तकलीफ़ होगी इसको यकीनन, लेकिन बछिया खूबसूरत है, अच्छी लगी, छोटी बछिया है। हाँ, अभी आया है, माल आ जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो, खैरियत है, खुश है? ये छोटी बछड़ी खड़ी है पहले नंबर पे, दो दांत हो गए ये। पैसे क्या रखे हैं इसके? हाँ, 130 रखे हैं भाई, दांतों में दो है, 1,30,000 रुपये। अच्छा जी, दोबारा मैं बछड़ी दिखाता हूँ आपको, दांतों में दो है, 1,30,000 रुपये। व्यापारी इस वक्त मेरे साथ नहीं है, वो वहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ कि मुझे रेट मुनासिब लगे मांगने के एतबार से, क्योंकि अगर ये बछड़ी अगर आपको, मैं समझता हूँ, 90-95 तक में मिल जाती है तो बहुत बेहतरीन है। और अभी इसको मैं रेट लगाता हूँ, 85 से रेट शुरू करता हूँ, देखते हैं कि ये उस पर क्या रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि मलीर मंडी में मैं सौदे देख रहा हूँ ना, तो उस हिसाब से मैं। तो ये बछड़ी का कहाँ तक का इरादा है देने का? कौन सा बछड़ी? वही बछड़ी का, वही पसंद आई है, एक ही है ना बछड़ी तो, हैं? फाइनल 125। फाइनल 125 का? नहीं, अगर जो है, हाँ ये वाला बछड़ी यार, 125 तो बहुत ज़्यादा है दोस्त। महंगाई तो है, बट ये है कि 85 का आता है मुझे समझ में, ये ख़रीदने के लिए बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं बात कर रहा, मूवी तो भर रहा हूँ, लेकिन सही बात कर रहा हूँ संजीदगा, संजीदगी से। नहीं, तुम्हारे को कितने में आएगा वही बछड़ी? ये फाइनल बोल दिया, 125। 125 बिल्कुल फाइनल है, आखिरी दाम है। अच्छा, ये बछड़े का क्या रखा है फिर तुमने? इसका फाइनल 280। 280, 2,80,000। ये वाले का? चित्रे। हाँ, ये ढाई का। ये ढाई का है, वो ढाई का, वो भी कौन सा, लाल वाला भी ढाई का? और लाल वाला। अच्छा, वो लाल वाला, वो पीछे काला जो है उसके, वो भी ढाई, वो भी ढाई का। ये सारा ढाई ढाई में रखा हुआ है। हाँ, ये मांग रहा है अभी रेट फाइनल बता रहा है 2.5 लाख वालों के? ये ढाई फाइनल बता रहे हो या मांग रहे हो? ढाई ढाई आखिरी रेट बता रहा है, हाँ ना बता रहा है, या फिर मांग रहा है अभी? मांग रहा है अभी, इसमें कमी बेशी हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, 2.5 लाख इसके मांग रहे हैं, वो फाइनल का वर्ड समझ में नहीं आया उनको, तो 2.5 लाख रुपए इसके जो है वो डिमांड कर रहे हैं, और उसके इन दोनों के भी 2.5-2.5 लाख डिमांड कर रहे हैं, ब्लैक और ब्राउन वाले के 2.5 लाख। गोलाई में है बछड़ा, लेकिन इसकी जो है ना वो कम है, कमर की चौड़ाई कम है, गोलाई में वैसे है, इसके भी 2.5 लाख। ये ब्यूटी में, ये बछड़ा सही है मेरे ख्याल से, 1.65-1.70 तक का सही है, अभी तक की मंडी की जो सूरत हाल है उस हिसाब से 165-170 तक का मेरे ख्याल से सही है। मैं आप लोग को इसलिए अपना आइडिया बता रहा हूँ क्योंकि अभी बार्गेनिंग का टाइम है नहीं, अभी इनका माल उतरा, बिजी है, और फिर भी दोस्त कमेंट करते हैं कि आप अपना एक आइडिया बता दिया करें, ताकि हम तो फिज़िकली नहीं देख रहे होते, आप देख रहे होते, तो आप अपना एक आइडिया बता दिया करो कि आपको कितने तक का सही लग रहा है। तो ये सूरत हाल है, और रेट मालूम करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा। अच्छा भाई, मंडी का इस वक्त तक का सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत मुझे बछड़ा लगा है वो मैंने खुलवाया है, और इसके रेट अभी मालूम नहीं किए हैं, रेट भी मालूम करता हूँ आप लोगों को, पहले बछड़ा दिखाऊँ जल्दी से, क्योंकि अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। भरपूर माशाल्लाह से इसका कोहान है, माशाल्लाह भरपूर नाक झालर वाला, खूबसूरत गुलाबी नाक में बछड़ा है, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। क्या है इसके पैसे? क्या हैं पैसे? नहीं बता रहे हैं इसके, मैंने बोला चलो आपको जानवर ही खोल के दिखा दें। ये बेसिकली कराची वाले ही हैं जो लेकर आए हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा जो है ना वो अभी वेट कर रहे हैं, आवाम में अभी अपने रेट खोल नहीं रहे। हमने जो बछड़ा खड़ा हुआ है ना चोलिस्तानी, सबसे खूबसूरत,
इसके रेट व्यापारी बता नहीं रहा था, लेकिन मैंने निकलवा लिए हैं इसके रेट। जो डिमांडिंग प्राइस है वो 12 लाख रुपए है, ठीक है, और फाइनल कर रहा है ये 9 लाख रुपए में, ठीक है, और 6.5 लाख रुपए इसको जो मेरे साथ फरहान भाई मेरे दोस्त आते हैं उन्होंने लगाए हैं, लेकिन मूड नहीं है इसका। ये फाइनल जो है ना इस बछड़े के 9 लाख रुपए कर रहा है, 12 लाख डिमांड कर रहा है। ये सूरत हाल है, काफ़ी देर इससे बातचीत हुई है भाई। देखें इस वक्त मैं अफ़गानी पट्टी जो है, जो सब अफ़गानियों का माल जहाँ आया हुआ वहाँ खड़ा हुआ हूँ, लेकिन रेट्स ज़्यादा नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि व्यापारी जो है ना वो गर्म हो रहे हैं, उनके दिमाग ज़्यादा, वो नहीं बता रहे हैं रेट। उसकी वजह यह है कि आवाम बहुत ज़्यादा है, जिसमें यूट्यूबर्स भी हैं हमारे जैसे, फेसबुक वाले भी हैं, सब कुछ हैं, और आवाम वैसे भी है, तो तफरीहों की वजह से वो थोड़ा तंग आ गए, डिस्टर्ब हो गए। तो मैं जो ना जबरन मेरा मिजाज नहीं है कि मैं नहीं बताए तो मैं उसको फोर्सफुली उससे रेट लूँ, ठीक है। तो जो व्यापारी बता रहा है उससे रेट भी ले रहे हैं, बार्गेनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन ये छोटा माल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी थोड़ा बहुत आना शुरू हो गया है इधर भी, और वो सामने जो है ना वो जो आपको अगर शायद रश नज़र आ रहा हो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे उतरा है बलूचिस्तान का सिब्बी टाइप का माल उतरा है, छोटा माल, ठीक है। बाकी अक्सर माल मंडी में बड़ा मौजूद है या दरमियाना मौजूद है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख की रेंज वाला। दो है ये दांतों में, चार है। ये कैमरा है, छोटा कैमरा है। अल्लाह करम, आप सुनाए खरीत से। हाँ आओ ना, आओ, क्यों नहीं लेगा, आ जाओ। पैसे क्या है इसके? कौन सा? इसके 280। अभी तो देख रहा हूँ 2,20,000 रुपये, सही है। ये 2.5 लाख रुपए इसके रेट, और ये काली वाली के 2 लाख, दो दांतों में धोंदी है, 2,10,000 रुपए इसके डिमांड कर रहे हैं काली बछड़ी के, सही है। अभी डिमांड्स आप देखें ऐसी ही चल रही हैं, 2,10,000 रुपए भाई इसके रेट बताएं इस बछड़ी के। ये सीधा सीधा बछड़ा है, ये वाला कितने का बिका है? 2,45,000। सही रेट बता, कितने का बिका है? हाँ से बोल रहे भाई, अच्छा झूठ बोलने का क्या बात है? सही है, अल्लाह मुबारक करे भाई तुम्हें। पहला दाना बिका है? नहीं, तीन दाने बिके हैं। तीन बिके हैं, अच्छा माशाल्लाह। और ये बड़ा परली बच्ची है जो है इसके साथ वाली, काली वाली, हाँ नहीं सफ़ेद वाली, सफ़ेद वाली, हाँ ये 1,80,000 रुपये 1,80,000 मांग रहे हैं इसके, 1,80,000 रुपये इस बछड़ी की डिमांड कर रहे हैं, और वो वाला कह रहे हैं 2,45,000 का बिका है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि सही बिका है कि नहीं बिका, अगर ये 2,45,000 का बिका है तो माशाल्लाह। अच्छा भाई, ये एक बहुत ही जायंट बछड़ा मुझे दिखा है अभी तक का मंडी का, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अभी तक का बछड़ा यही है, और ब्राह्मण में लग रहा है, ब्राह्मण चोरिस्तानी मिक्स लग रहा है मुझे, बहुत बड़ा है माशाल्लाह। और रेट इसके जो है ये मांग रहे हैं 15 लाख रुपये, 15 लाख ओनली 15 लाख। ये तो फिर भी चलो सही बोल रहे हो, आगे 25 का लगा वो 25 लाख वाला तो बिल्कुल ही होता, 15 लाख ये जो मांग रहा है ना ये इसका फाइनल भी मेरे ख्याल से अभी 10 लाख एक कस्टमर को बोल रहा था जो देने वाले को, हाँ फार्मर ले जाएगा। बहुत बहुत बड़ा बछड़ा है माशाल्लाह, ये मंडी का तकरीबन सबसे बड़ा, मुझे अभी तक का भाई एग्जैक्टली मंडी का सबसे बड़ा बछड़ा लग रहा है अभी तक का। रेट भी सही है बहुत, यानी सीना देखें ना अगर आप इसका माशाल्लाह। माशाल्लाह कमर नहीं है, कमरा है, कमरा बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। मुझे किसी चीज़ की इसमें सिवाय कोड के और कोई कमी बेशी नज़र नहीं आ रही, जिल्द पर इसके कोड है लेकिन वो मसला नहीं है, सिल्वर स्पॉट्स जो जिल्द पर है ना नज़र आ रहे होंगे आपको। 9.5 लाख फाइनल बोल रहा है, फाइनल तो नहीं, डिमांड तो अभी 15 लाख भी कर रहा था किसी से, 15 इसके कर रहे, 9 लाख बछड़ी के।
और 5.5 फाइनल। चलो भाई अफगानी अपनी 5.5 लाख। मंडी की ये पोजीशन चल रही है भाई माशाल्लाह। खूबसूरत मोज़ा प्रिंट में बची है इस बार, माल खूबसूरत ज़्यादा आया है, बड़ा माल खूबसूरत माल जल्दी आ गया। एक बात और बताऊं, इस बछड़े के 5 लाख रुपए लग चुके हैं, इसके कल 7 लाख रुपए डिमांड थी इस वाले के और आज 8 लाख कर दिए, ठीक है, क्योंकि पब्लिक का रश बढ़ता जा रहा है, व्यापारी अपनी डिमांड्स बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। और जो बछड़ी 5.5 लाख आज डिमांड कर रहे हैं जिस बछड़ी के, उसके कल 3.5 लाख रुपए उसकी डिमांड थी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इस वक्त जो है ना वो समझ में बात ये आ रही है कि व्यापारी बेचने के बजाय ना इस वक्त आसरा करने में, वेट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं कुछ व्यापारी, खासकर जो बड़ा माल लेकर आए, जबकि इस वक्त स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जो अच्छे रेट लगे बेच के निकल जाओ फटाफट, आसरा नहीं करो, लेकिन ये आसरा कर रहे हैं, रेट बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, मंडी की अपडेट्स के हवाले से आपको ये बताऊँ कि अभी जो है ना सौदे थोड़े बहुत शुरू हो गए हैं, लेकिन ये है कि दिन में एक दो सौदे पूरे दिन में जाके ऐसे हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा अभी सौदे शुरू नहीं हुए हैं, ठीक है। माल आ रहा है, डेली आ रहा है और अब भरपूर आ रहा है, पब्लिक माल से भी ज़्यादा पब्लिक आ रही है, और इतवार का दिन है, थोड़ा आज वीडियो बनाना हो गया मेरे लिए मुश्किल, तो जैसी कैसी बनी है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मुझे खुद मज़ा नहीं आया आज वीडियो में।